बोकारो से खबर शामिल करते हैं, जहां पर चक नंबर 39 जीडी नेमत अलादिता मसीह जिसको गांव के मुस्लिम बरादरी के चंद बदमाश रसागीरों ने मामूली रंजिश पर दिन दहाड़े घर में घुसकर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए खवातीन को नीम बरहना करके डंडों सोटों लातों घूसों का बेदरेक इस्तेमाल करते हुए गुजश्ता दिनों कत्ल कर दिया था। मगर कई दिन गुजर जाने के बावजूद कातिल दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस कातिलों से सासवास होकर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिस पर चेयरमैन मिनोरिटीज अलायंस अकमल भट्टी, एडवोकेट चेयरमैन यूनस इकबाल, सहाफी और समाजी शख्सियत असगर अहमद, मेंबर जिला कौंसिल याकूब चौथरा, मेंबर जिला कौंसिल डॉक्टर आबिद चौधरी, सलमून बाजवा मिनोरिटीज अलायंस और दीगर अहदेदारान और मसीही बरादरी ने एहतजाजी और मजम्मती कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि इस दिलसोज वाकया पर पुलिस की कार्रवाई न करना एक सवालिया निशान है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुकामी पुलिस चेयरपर्सन अनासर से गठजोड़ कर केस को खराब करना चाहती है। और शवाहद मिले हैं कि पुलिस और चंद बकाओ दरिंदा सिर्फ लोग मकतुलिंग पर सुलह का दबाव डाल रहे हैं और सुलह न करने पर कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी हम भरपूर मजम्मत और वजीर आजम, वजीर आला, चीफ जस्टिस और आला हुक्मरानों से इंसाफ और इस मसीही खानदान की दादरसी की अपील करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दिन ब दिन पसमानदा तबकात खसूसन मजहबी अकलियतों के साथ ऐसे वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तान में गैर महफूज समझते हैं।